हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकिन आज मार्केट में देखेगा तो एक सेकंड हाफ में अजीब कर बिहेव किया मार्केट ने। कुछ ऊपर का लेवल ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अराउंड 20 निफ्टी में देखे तो 21,560 के लेवल से एक लगभग 200 पॉइंट आपको गिरावट देखने को मिला 1%। तो रीज़न कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा रीज़न नहीं है, एक ऊपर का लेवल से करेक्शन तो बनता ही है। अभी यहाँ से अभी समझो 21,500 से 500 पॉइंट तो करेक्शन बनता है, एक वन वे रन अप के बाद इतना तो करेक्शन बनता है। इवन बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी तो वो भी अराउंड 350 पॉइंट नीचे अभी कामकाज के ऊपर अपना आज का जो हाई से। तो मेन रीज़न है कि अभी जितना भी अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, जो भी अभी लेफ्ट आउट फील किया, जो भी रन अप में पार्टिसिपेट नहीं किया, उनका अच्छा अच्छा शेयर में अभी अपने एक्यूमुलेट करना, मतलब अच्छी अच्छा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आपको बोल सकते हैं। जैसे कि रेलवे स्टॉक हो गया, आपका जो डिफेंस और स्टॉक हो गया, कुछ चुनिंदा स्टॉक है तो आपको अच्छा एक मौका है। रियलिटी सेक्टर वाला भी स्टॉक कुछ आपको अच्छा मौका है लेने का। तो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ट्रेंड इंटैक्ट है, तो शॉर्ट टर्म अपना जो ये चलता रहेगा फ्लक्चुएशन, उसके लिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, हम लोग आज वरुण बेवरेज, वरुण BBBL, तो हमारा जो एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए कुछ है ही नहीं इसमें। तो वरुण बेवरेज एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म पिक है, पिक वाला स्टॉक है जो अभी अराउंड अपना जो अभी ऐसा वाला स्टॉक है, आपको जैसे जैसे करेक्शन होता है तो उसमें आपको एक एक्यूमुलेट करने का अच्छा मौका है। जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट किया, एक साउथ अफ्रीका में एक एक्विजिशन हुआ आज के दिन में, उसका न्यूज़ है। तो अराउंड साउथ अफ्रीकन ये अपना करेंसी 3 बिलियन साउथ अफ्रीकन रैंड, तो एक एक अपना एक्विजिशन किया तो बेवरेज कंपनी के साथ, तो एक एक्सपेंशन जो बोल सकते हैं आप इसमें वरुण बेवरेज का, जो अफ्रीकन रीजन के लिए एक अच्छा एक एक डेवलपमेंट हो सकता है इसमें जो आने वाला उसमें टाइम है। उसमें अभी एक्विजिशन है, जुलाई तक कंप्लीट होगा तो रेवेन्यू में बहुत बिल्कुल उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो अभी अपना जो ये लेवल से अभी जैसे जैसे डिप मिलता है उसमें आप एक्यूमुलेट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए इस यहाँ पे मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो उसमें बने रहिए, और जो जैसे जैसे एक्यूमुलेट होता है अपना करेक्शन होता है उसमें एक्यूमुलेट कीजिएगा। जो हमारा जो टारगेट है 3,000 का टारगेट है, जो हम लोग पहले भी उसमें चैनल में बोल चुके हैं, वरुण बेवरेज में एक बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटल हाइडी बाइली पेडिग्री वाला स्टॉक है, उसमें बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो न्यूज़ भी अच्छा है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांगली तो है ही है। फ्रेंड्स, अच्छा जो मेजर डेवलपमेंट है, जो रियल एस्टेट स्मॉल कैप कंपनी, उसको जो एक सर्टिफिकेट मिल गया जो ऊपर लग्जूरियस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का जो कमेंस करने के लिए, तो कंपनी का नाम है मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। एक्चुअली एक फंडामेंटली बहुत अच्छा कंपनी है, तो ये पर्टिकुलर सेक्टर में ऐसा वाला आपको बहुत कम मिलेगा, मतलब जो बहुत मिनिमम सा डेट और बाकी जो ROE ROC बहुत अट्रैक्टिव है इसमें। तो बाकी अभी जो एक अपना मुंबई घाटकोपर इसमें जो प्रोजेक्ट होने वाला है 4 लाख स्क्वायर फीट का कारपेट वाला एक प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है काफ़ी, इसमें बीच में हर्डल था तो अभी क्लियर हो गया, अभी सर्टिफिकेट आगे कमेंस करने के लिए इसको मिल गया है जैसे कि मैं बताया। तो एक काफ़ी अच्छा एक ये हो सकता है, रेवेन्यू बूस्ट हो सकता है उसमें कंपनी में। तो अभी अर्लियर अभी कंपनी फंड रेज भी किया है अप्रॉक्सीमेटली 550 करोड़, तो कन्वर्टेबली अपना इक्विटी वारंट थ्रू। बाकी 3.55 करोड़ का शेयर भी इशू करने वाला है, अपना इक्विटी शेयर एट द प्राइस ऑफ 155 जो वारंट इशू है। तो बाकी आप कंपनी का पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट तो हर क्वार्टर में पोस्ट करता ही है। तो बाकी पीई रेशियो देखेगा तो अट्रैक्टिव है, 20 का मल्टीपल में काम कर रहा है, और इंडस्ट्री पीई देखेगा तो 39 का इंडस्ट्री पीई, ROC अराउंड 32% का ROC है, और ROE भी बहुत अट्रैक्टिव मोर देन 30 है। तो एक ऐसा वाला मल्टीबैकर स्टॉक है, एक्चुअली एक लास्ट वन ईयर में एक 170% का रिटर्न दे दिया, तो एक लास्ट वन ईयर में बहुत काफ़ी अच्छा चला है। तो इसका मतलब फंडामेंटल ठीक ठाक ही है, मतलब लगातार अपना रेवेन्यू भी बढ़ा रहा है और जो डेट भी लगातार इंक्रीज़ कर रहा है, तो एक इवन आपका जो FISP इसमें काफ़ी अच्छा से होल्ड करते हैं। तो इसको ज़रूर वॉचलिस्ट में ऐड कीजिए, ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में तो आप जैसे जैसे डिप मिलता है उसमें बाय कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, तो आप भी इसके बारे में आप फर्दर स्टडी कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का जो स्टॉक पिक होगा जो फॉर स्विंग ट्रेडिंग, तो अभी जैसे कि ऐसा एक 200 पॉइंट अगर मार्केट गिरेगा तो निफ्टी में, तो अभी जो भी नॉर्मल हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसमें थोड़ा बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगा ही है। नेवरतलेस सभी जो ऐसा सब आपको सब स्टॉप लॉस हम लोग ऐसा ही मेंशन करते ही हैं, जो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, जो ऐसा वॉलेटाइल मार्केट में आपको सावधान होना चाहिए। जैसे कि हम लोग हैडसन एग्रो प्रोडक्ट जो है पहला स्टॉक होगा जो एक फॉलिंग चैनल है, बाकी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है। तो अभी जो रिसेंट हाई लगाया, जो अभी जो आज का जो हाई है
1145 का जो लगभग हाई है। तो आज मतलब मार्केट गिरावट के साथ ये भी एक ऊपर का मतलब सस्टेन नहीं किया, फिर भी हम लोग आज का जो क्लोजिंग है इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग अगर आप कल वो आज का जो क्लोज ब्रेक करेगा तो कल का सेशन में हम लोग उसको ज़रूर उसमें एक अच्छा अपसेट पोटेंशियल बनता है उसमें। तो हमारा जो अगर कल एंट्री बनता है जो पहला मतलब पहला हाफ में 9:30 के बाद, तो लगभग अराउंड 1098 का एक स्टॉप लॉस बनता है। 1098 का एक स्टॉप लॉस लगा के हम लोग 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए काम करेंगे। तो ज़रूर वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा हैटसन एग्रो प्रोडक्ट। और दूसरा है सिक्योर क्लाउड टेक। सिक्योर क्लाउड टेक है तो एक ये भी एक काफ़ी समय से एक दायरे में कामकाज कर रहा है। तो अभी का एक काफ़ी वॉलेटाइल एक स्टॉक है ये भी, मतलब एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो एक उसमें ज़रूर एक अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है उसमें, लगातार दूसरा दिन है। तो अभी जो ये लेवल में अगर आज कल का सेशन में तो 9:30 से 10 o'clock के आसपास अगर ये आज का जो क्लोजिंग अपना बेसिस पे तो अब ब्रेक करता है, तो अब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। अराउंड 43 के आसपास आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो उसके बाद आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए इसमें भी काम कर सकते हैं। तो अभी जो अभी रिसेंट स्विंग है एक तो सही का अपना 50-51 के आसपास तो इजीली वन वे में जा सकता है। सिक्योर क्लाउड अगर मोमेंटम मिल गया तो फ्रेंड्स आज का तीसरा स्टॉक होगा गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज़। गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज़ के ये भी एक ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हुआ है, काफ़ी वॉलेटल भी है, क्योंकि एक ऐसा वाला मार्केट में एक आज एक अच्छा एक पॉजिटिवनेस है इसमें। तो आज भी देख लीजिए तो अराउंड अभी सस्टेन कर रहे हैं ऊपर के लेवल से, अराउंड 236 का भी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं गुजरात अपोलो। कल मतलब सुबह में अभी एक हाई ब्रेक करता है आज का जो, तो एक अच्छा उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी बनता है। 1:2 रिस्क कवर के लिए हम लोग काम करेंगे। इसका जो स्टॉप लॉस बनता है अराउंड 228 के स्टॉप लॉस लगा के हम लोग उसमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए काम करेंगे। दोस्तों जितना भी हम लोग शेयर करते हैं जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, बस अभी अभी कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप भी इसमें ज़रूर उसको स्टडी कीजिए, उसके बाद आप जो भी आप काम करते हैं तो उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा। हाँ तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।